So what's up guys, my name is Noob, आप देख रहे हैं Playz, आप ये आप सभी का स्वागत है मैंने आपकी और एक नई वीडियो में। So guys, I know बहुत ज़्यादा टाइम के बाद में आ रहा हूँ, बहुत मतलब कुछ प्रॉब्लम भी हो गया था एंड मेरे एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, इसलिए थोड़ी वीडियोस डिले होने वाली है। एंड इस वाली वीडियो में मतलब मैं डायमंड का फुल सेट बनाने वाला आर्मर एंड उसे एन्चेंट भी करने वाला हूँ। सो आपको पता होगा कि यहाँ पे लीवर है, एक सीक्रेट लीवर जिसे खींचने के बाद अपना सीक्रेट वाला एंट्रेंस दिखता है, ये देखो। अगर वो वाली वीडियो आपने नहीं देखी होगी तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, देख सकते हो आप। यहाँ पे अपना विलेजर ट्रेडिंग हॉल, मैंने यहाँ पे चेस्ट भी लगा दिया, यहाँ पे कुछ सामान रखा है जिससे मैं ट्रेड करने वाला हूँ एंड एमरल्स भी रखे, यहाँ से बंद भी कर सकते हैं, फिलहाल के लिए खोल देता हूँ मैं। एंड और कुछ दिखाने के लिए है नहीं उतना, पहले ये भी दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। एंड ये देखो, मैंने काफ़ी सारे मतलब ब्रीड कर दिया उन्हें एंड उन्होंने जॉब भी ले ली, इससे काफ़ी सारा मैंने ट्रेड भी किया है पोटैटोज। एंड अभी इस वाले वीडियो में मुझे मेंडिंग की बुक चाहिए एक का, कुछ खास दे नहीं रहे फिलहाल के लिए। एंड एक फिशरमैन भी हुआ है बाहर, मैंने बैरल लगाया था इसलिए ओके। और कुछ नहीं, अभी मैं ऊपर चलता हूँ, हट जा भाई। ये अच्छा है कि पॉकेट एंड बेडरॉक एडिशन में मारने पर ये रेट्स बढ़ा नहीं देते, जावा में रेट्स बढ़ाते हैं ये। एंड मैंने डोर्स की सिस्टम भी थोड़ी चेंज कर दिया, पहले बाहर आयरन का था एंड अंदर नॉर्मल, तो मैंने उल्टा कर दिया है ना। एंड ऊपर चलता हूँ 2 मिनट, पहले आपने ओलिवर को खाना खिला दो, मैं भूल जाता हूँ हर बार, फिर मेरा खाना खाता हूँ। ओके, पेट फुल हो चुका है, अभी काम करते हैं। एंड यहाँ पे आयरन है काफ़ी सारा, मैंने बताया थी जो ब्लॉक्स थे मतलब आयरन ओर थे उन्हें मैंने फॉर्चून 3 से माइन कर दिया है। एंड यहाँ पे देखो डायमंड्स की मतलब बोलो मत, कितने हैं मेरे पास डायमंड, 49 है, डैट्स नाइस। एंड मैं ऑफलाइन में करता हूँ माइनिंग। ओके, इसे मैं स्प्रेड कर दे रहा हूँ, क्यों पता नहीं, इनमें से मुझे शायद 24 लगते हैं डायमंड्स, आई थिंक सो 24 निकाल देता हूँ। ओके गाइस, मैंने 24 डायमंड्स निकाल लिए अलग से एंड अभी इनसे पूरा का पूरा डायमंड सेट बनाने वाला हूँ। ओके, हेलमेट आ चुकी है, चेस्ट प्लेट आ चुका है, लेगिंग्स भी आ चुकी है एंड बूट्स भी आ चुके हैं, परफेक्ट मैंने बनाए थे। एंड इन इंचन भी करते हैं अभी। ओके, पहले तो देखते हैं चेस्ट प्लेट में क्या आ रहा है, प्रोटेक्शन 3, डैट्स नाइस। एंड गाइस यहाँ पे देखो, मैंने काफ़ी सारे एन्चेंट करके रख दिया है, पिछली बार भी मैंने दिखाया था बट मैंने वो फास्ट फॉरवर्ड में दिखाया तो आपको दिखा नहीं होगा। थोड़ा काफ़ी सारे बुक्स भी है मेरे पास पड़े हुए, अभी थोड़े एक्सपी भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे कूल नहीं है, अभी माइनिंग के लिए जाता हूँ मैं, कूल में भूल जाता हूँ यार, अभी माइनिंग के लिए चलता हूँ, वेट अ मिनट। ओके, मुझे यहाँ पे कोल दिख चुका है एंड मैं काफ़ी सारा माइन कर रहा हूँ एंड थोड़ा अंदर भी जाते कि उसमें ओके काफ़ी सारा है कोल। एंड गाइस मैं माइन कर रहा था ऐसे एंड देखो मुझे क्या मिला, 1 मोर, इसे एमेथिस शार्ड कहते हैं या फिर जियोड कहते हैं इनमें लगते हैं, उन्हें एमेथिस शार्ड कहते हैं। ये अभी मुझे नाम याद हो चुका है, जो बड़े बड़े होते हैं वही निकलते हैं इनसे। गाइस इनसे काफ़ी सारी चीज़ें बनती है, लाइक स्पाई ग्लास जिससे हम दूर का देख सकते हैं, टिंटेड ग्लास भी बनता है और इनका भी यूज़ करेंगे। ओके गाइस, मुझे अभी मैं बाहर निकल रहा हूँ यहाँ से एंड देखते हैं रास्ता। ओके गाइस, मैं फाइनली आ चुका हूँ अपने घर में एंड देखो क्या मस्त लग रहा है यार, सूरज उगता हुआ या फिर डूबता हुआ पता नहीं, डूब रहा है या उग रहा है। ओके, अभी चलते हैं घर में एंड पहले तो पोटैटोस को स्मेल्ट करने के लिए रखते हैं, एक्सपी बढ़ेगा जिससे। ओके, ओके गाइस,
मैं अभी लेवल्स लेता हूँ, ब्लॉक्स बना के आ गया हूँ एंड मैंने लिटरली काफ़ी सारे लेवल ले लिया, 92 हो गए। लेट्स गो, अभी बहुत सारे इंटरनिंग करेंगे। ओके ये रहा इंटरनिंग टेबल, पहले तो देखते हैं चेस्ट प्लेट पे क्या मिल रहा है। प्रोटेक्शन 3, दैट्स नाइस, इसे भी ले लेते हैं। ओके बस यही मिला है, इसे डिसेंशन कर लेंगे, अभी कर लेते हैं। लेट्स गो एंड वापस देखते हैं क्या मिल रहा है। अनब्रेकिंग 3, अच्छा मिल सकता है अनब्रेकिंग 3 के साथ, देखते हैं। एंड गाइस ये फुल लेवल नहीं मिल रही, देखो आप 28 लेवल के मिल रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ हुई है। ओके गाइस मैंने एक बुक शेल्फ वगैरह लगाई, फिर मैंने देखा यहाँ पे टॉर्च लगी है, इसलिए अच्छी मतलब एन्चेंटमेंट्स नहीं मिल रही थी मुझे। एंड अभी प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन मिल रहा है, खास नहीं है इसमें भी प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन। एंड बूट्स में थॉर्न 2 मिल रहा है, बूट्स में लगा लेता हूँ मैं। एंड ओके काफ़ी काफ़ी अच्छी एन्चेंटमेंट मिल चुकी है मुझे। एंड अभी प्रोटेक्शन 4 इसे भी ले लेता हूँ। एंड ब्रेकिंग 3 और ठीक ठाक है, प्रोटेक्शन 4 दैट्स नाइस, एंड ब्रेकिंग 3 सेम। एंड यहाँ पे प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन भी है, ओके चलता है। एंड अभी मैं कुछ को डिसइंचेंट कर रहा हूँ लाइक मैं हेलमेट, क्योंकि प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन मुझे नहीं पसंद, मतलब कौन से भी प्रोटेक्शन नहीं पसंद, नॉर्मल प्रोटेक्शन ही बेस्ट होता है। ओके अभी क्या कौन सा मिल रहा है, प्रोटेक्शन 3, प्रोटेक्शन 3 इज बेटर दैन प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन 4। एंड गाइस ये देखो बहुत सारे मेरे पास बुक्स है, तो इनसे भी मैं इंचैंट कर लेता हूँ काफ़ी सारे। एंड फिर आपसे मिलता हूँ मैं। ओके गाइस मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को डिसइंचेंट करके भी लगा दिया है एंड काफ़ी सारी अच्छी मुझे एन्चेंटमेंट्स मिल चुकी है। ओके इसे लगा देता हूँ एंड इन सब में मुझे मेंडिंग चाहिए, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। सो ये नॉर्मल वाला भी रख देते हैं फिलहाल के लिए। एंड पहले तो सो जाता हूँ, गुड नाइट एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। पहले तो इन्हें मार देता हूँ क्योंकि खाने की बहुत कमी है, थोड़े से ही मार देता हूँ। ओके देखते हैं कितने हैं, 39 है शायद। ओके काफ़ी मस्त मिलता है, लूटिंग का यही फ़ायदा है। एंड अपने शुगर केन फार्म भी एकदम बढ़िया काम कर रहा है। एंड ये अभी लेने की ज़रूरत तो है नहीं मुझे। ओके यहाँ से मुझे अभी एक ये ले लेना है, बुक शेल्फ 6 के 6 ले लेता हूँ। ओके बुक्स ले लेता हूँ मैं पहले एंड आर्मर में यहीं पे छोड़ देता हूँ। एंड एम्ब्रेल्स भी ले लेता हूँ एक स्टैक, इनमें से ही ले लेता हूँ, कितना 10 सारे के सारे ही ले लेता हूँ, देखते हैं। ओके कहाँ है वो मेंडिंग वाला बंदा, ये तो थॉर्न्स दे रहा है। ओके अभी मुझे इसे तोड़ के बनाना होगा मेंडिंग, सो वेट करते हैं अभी। ओके गाइस एक है जो मुझे प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन 4 दे रहा है एंड मैंने उससे गलती से ले ली एक बुक। एंड और एक बंदा है और ये क्या दे रहा है, ओके यही है जो मेंडिंग दे रहा है, मेंडिंग 1, वो भी बस 10 एमराल्ड में, दैट्स वेरी नाइस, जितने हो सकते उतने ले लेता हूँ मैं। एंड ये एमराल्ड क्यों फेंक दिए, उठा लेता हूँ वापस से, लैक्टन की भी ज़रूरत है नहीं, बुक भी उठा लेता हूँ। एंड लेट्स गो आउटसाइड। एंड गाइस आपको थोड़ा सा नॉइस आ रहा होगा क्योंकि हमारे बाहर थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है, सो प्लीज़ इग्नोर कर देना। एंड अभी इन सभी मैं क्या मेंडिंग लगा देता हूँ एंड तभी आप ये भी देख सकते हो क्या क्या इंचमेंट्स है।
ओके अभी फिलहाल मुझे फेंकने होंगे फिलहाल के लिए। ओके ये सारे फेंक देता हूँ मैं एंड कलेक्ट कर लूँगा अभी। ओके बूट्स में देख सकते हो आप क्या क्या मुझे मिल रहा है, इतना इतना मैंने लगा दिया था एंड मेंडिंग से इतना हो जाता है। फिर सभी मैं मेंडिंग लगा देता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। ओके सभी में फाइनली मेंडिंग लग चुकी है। सो ये दिस फॉर टुडे गाइस, इस वाले वीडियो में मेंडिंग का ब्लेजर बनाया मेनली एंड पूरा का पूरा डायमंड आर्मर बना दिया है। सो इससे ज़्यादा क्या ही बनाऊँ, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है गाइस मेंडिंग वाले के लिए स्पेशली। सो ये दिस फॉर टुडे गाइस, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।